ये तो भारतीय समाज हर विषय में जानकारी और रुचि रखता है, पर क्या हम एक समझदार समाज भी हैं? क्या हमें सिर्फ अपनी पड़ी है और दूसरे की कोई चिंता नहीं? क्या हम जानते हैं कि अगर सिर्फ हम अपना ही ख्याल रखेंगे और दूसरे का नहीं, तो कल ना तो हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और ना हम। हमारी सड़कों पर और भी ज्यादा ट्रैफिक होगा, और भी ज्यादा धूल होगी, हमारे पार्कों में और भी ज्यादा कूड़ा होगा, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अनेक लाइलाज समस्याएं विरासत में दे जाएंगे। दूसरे का ख्याल रखना समझदारी की सीढ़ी की पहली पायदान है। हमें यह देखना होगा कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम समझदार नहीं हैं, और क्या कारण है हमारी नासमझी के, और कैसे हम एक समझदार समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं कि होटलों में हमारा व्यवहार कैसा है, और क्या उसमें सुधार लाने की का कोई स्कोप है, और उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक जिंगल देखेंगे। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का आकाल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। आज हमारे साथ है स्टूडियो में दीपिका सिंह, डायरेक्टर ऑफ गरुड़ा रिजॉर्ट्स एंड ओनर ऑफ अ चेन ऑफ रिजॉर्ट्स कॉल्ड गरुड़ा। साथ में है हमारे एयर कमोडोर एल के शर्मा जी, ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ करियर स्टडीज। आप दोनों का स्वागत है। आपने काना में रिजॉर्ट हैंडल करी, साथ में आईटीसी में भी काम किया, क्या अनुभव रहा है आपका आज तक? जैसे आपके जिंगल में था कि दूसरों की नहीं सोचते, अपनी ही पड़ी है, ये अगर ख्याल चेंज कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो। अगर इसमें थोड़ा सा सोच में फर्क लाई जाए, क्योंकि जब होटल में एक इंडियन गेस्ट आता है और वो पेमेंट कर देता है, तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अब मुझे कुछ भी करने का हक है। और कुछ भी करना यानी वसूल, पैसा वसूल करना। तो चाहे मैं कुछ गंदा करूं या कुछ मैं खराब करूं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अधिकार हो गया है, मैंने पैसे दे दिए। तो कैसा, किस तरह का व्यवहार होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने वो आके रहते हैं आपके साथ, तो रूम में या बाथरूम में, वहां पर कुछ गलत लगता है आपको, कुछ गंदा जी लगता? बिल्कुल। कैसे? बाथरूम में खास तौर से, जैसे जैसे बाथरूम इस्तेमाल करना बहुत ही कम अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोगों को आता है, क्योंकि वो एक तो फ्लश नहीं करेंगे इस्तेमाल करने के बाद, जरूरी नहीं समझते, उनको लगता ही नहीं कि ये चीज जरूरी है। दूसरा, सीट नहीं उठाएंगे, मैन कभी भी सीट उठा के बाथरूम यूज नहीं करेंगे, गीला कर देंगे सारा बाथरूम, वॉश बेसिन, सिंक, सब कुछ गीला होगा। उन्हें यह एहसास बिल्कुल ही नहीं होगा कि मेरे बाद कोई दूसरा भी इस्तेमाल करेगा। इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कहीं पर ये जो व्यवहार है हमारा, ये बताता है कि हमारी ट्रेनिंग शायद नहीं हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानियों में कोई खोट है, लेकिन कहीं हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कमोड है। अब कमोड के बारे में आपने बताया, आदमी लोग फ्लश नहीं करते या उठाते नहीं, नहीं है, सीट नहीं उठाते। सो जब कमोड आया 150 साल पहले, तब हम गुलाम थे और हमने अच्छा किया कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार कर रहे थे जी। तब ट्रेनिंग हुई कमोड के बारे में कि कमोड कैसे यूज किया जाएगा, तब तो हमने ट्रेनिंग मिली नहीं, हमने ली नहीं, अच्छा किया। लेकिन बाद में स्वतंत्रता के बाद और अब शायद वो ट्रेनिंग करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बाकी देशों में तो वो ट्रेनिंग हुई। जैसे जब कॉलगेट टूथपेस्ट भी आया था, तो 100 साल पहले, तो कॉलगेट टूथपेस्ट के ऊपर सारे ये विजुअल्स बने हुए आते थे कि ऐसे कैसे इस्तेमाल करिए, ब्रश लाइए, दबाइए, फिर उसका कैप बंद करिए। सो वो ट्रेनिंग जो कमोड की होनी थी, वो हमारी नहीं हुई। सो अब वो टाइम आ गया है कि हमें उस बारे में सोचना चाहिए कि कमोड को किस तरह से यूज किया जाए।
और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? कमरों में खास तौर से जिस दिन गेस्ट जा रहा होगा वो बेडशीट से अपने जूते साफ कर देगा चादरों से, ये मैंने भी देखा है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले इंदौर में था तो वहां पर मैंने ये बात और भी लोगों ने बताई, हाँ बताइए, तो आखिरी दिन जाते जाते जरूर ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, जूते जरूर पहुंचेंगे वो अपने बेडशीट से, पर्दों से हाथ पहुंचते ना, बच्चों का देना, बच्चों का दीवार पे लिख देना, माँ बाप मना नहीं करेंगे। अगर घर में ही नहीं सिखाएंगे तो सीख तो बचपन से ही डालनी पड़ती है, बच्चों के अंदर सिखाना पड़ता है उनको छोटे छोटेपन से। खाना अगर कमरे में मंगाया है तो बिस्तर पे गिरा देंगे, छोटे बच्चे होंगे तो वो आपके पूछने के बावजूद भी मैट हम होटल्स में प्रोवाइड करते हैं छोटे बच्चों के लिए नीचे लगाने के लिए ताकि मैट्रेस नहीं गंदा हो, लेकिन वो नहीं लेंगे। क्या कारण है मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन वो नहीं लेंगे। और छोटे बच्चे होंगे तो गीला भी करेंगे गंदा भी करेंगे तो उन्हें कोई ख्याल नहीं होता इस चीज का। ये बेडरूम में ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अगर हम जूते साफ कर रहे हैं चादर से तो कहीं पर हमें उसकी कदर नहीं है जो धोएगा चादर या कल जो यूज करेगा। बिल्कुल, अगर हम पर्दे से हाथ पोछ ले रहे हैं तो अगला जो आदमी आने वाला है उसकी कदर नहीं करेगा, बड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि हम दूसरे के बारे में कदर नहीं करते। नहीं करते। गांधी जी का एक बहुत ही फेवरेट भजन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। दूसरे की पीड़ा नहीं समझ रहे हम अपना कर्ज गंदगी करते जाते हैं। अगर हमें दूसरे के लिए कदर हो जाए तो शायद हम ऐसा ना करें। बिल्कुल, हम अगर एक मिनट भी रुक के ये सोचें कि यही चीज अगर हमारे घर में कोई कर जाए तो क्या हम खुद से साफ करेंगे, तो हम करना बंद कर दें, हम ये सोच ही नहीं रहे। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। और अब देखते हैं जरा होटल्स के बारे में एक क्लिप और थोड़े से दृश्य, उसके बाद वापस आते हैं। Hotels serve as a link between the traveler and their unknown destination. It's a place to rest, unwind and rejuvenate. For them, it's a home away from home, combined with comforts, luxuries and services that can make them feel really special. Hotels are a window to showcase the culture, tradition and hospitality of the city and the nation. And they have to live up to the highest standards to cater to today's international demands as well. They have to put their best foot forward in terms of best services, cuisine, facilities and most importantly, the etiquettes and the behavior of the hotel staff, maintaining the unique local flavor and spirit at the same time. Talking of etiquettes and behavior, it's important to look at the way these wonderful facilities are used by the visitors. There have been several incidents involving misuse of the facilities, flouting of rules, and even rowdy behavior with the staff. It is expected that all of us understand the value of such fantastic facilities and make sure that basic social, civic and common sense prevails. Like any other place in the world, the receptionists are believed to be the most informed people, and that's what we deal in our daily work routine. The queries of different people come with a view that they will get the right kind of help and information from us. Mostly complaints may... हमें एक्ट करना होता है, जो भी टाइम प्रोवाइडेड होता है टाइम लिमिट्स बन जाते हैं उसमें, जल्दी से जल्दी हमें गेस्ट को उसकी ज़रूरत का सामान पहुंचाना होता है, उसकी मदद करनी होती है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटैलिटी में हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आगे बढ़कर जहां तक हो सके वहां तक हम दूसरों की मदद करें, जो कि हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं कि सबकी सुविधाएं हो, अच्छे लगे सबको, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उन सबको अच्छे लगे, साफ सफाई में के तौर से
लेकिन कभी कभार हमें दुख भी होते हैं कि जब गेस्ट आते हैं, जिन लोग हमारा ये जगह का ध्यान ना रखते हुए कभी कभार ऐसे होता है चाय पी लिया, जमीन में फेंक दिया कप वप, तो हम चाहते हैं ये सब चीजों में थोड़ा उनकी तरफ से भी थोड़ा प्रयास हो साफ सुथरा रखने के लिए। छोटी सी प्रयास है हम लोगों को, और हर समय हम एसी वगैरह लाइट वगैरह का ध्यान रखते हैं कि उसको जब यूज में ना हो तब हम बंद रखें। जब भी हमारे गेट से कोई भी गाड़ी एंटर होती है हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। काफी समय जो अधिकतर गेस्ट यहाँ पे पोलाइटली हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कुछ गेस्ट हमारे से एंग्री करते हैं। वो कहते हैं हम लोग क्या गलत चीज लेकर आए हैं, आप हमारी गाड़ी को क्यों चेक कर रहे हैं, हम नहीं तो चेक कराते। लेकिन हमारा काम यही होता है कि हम उनको अपने तरीके से समझाते हैं पोलाइटली और अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और काफी लोग हमारे पे गुस्सा करते हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी होती है क्योंकि हम उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो इस क्लिप में आपने देखा वो जो लेडी कह रही है वो वैसी कुछ बात कह रही है जैसी दीपिका जी ने हमें बताई, और वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज वो व्यवहार पे बात कर रहा है कि दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम चलते हैं एलके शर्मा जी के पास, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक दीपिका जी ने जो बात बताई कि हमारा थोड़ा सा बिहेवियर इस तरह का है, ऑफकोर्स मैं ये मानता हूं कि ये हिंदुस्तानियों का बिहेवियर नहीं है, ये किसी भी ऐसी कौम का बिहेवियर है जो अप्रशिक्षित है जिसको शिक्षण नहीं मिला। आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे? आप अपने जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं उनको बताते हैं कि इसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे इम्प्रूव करेंगे? जैसा कि आपने क्लिप में दिखाया होटल इंडस्ट्री में इज अ होम अवे फ्रॉम होम, करेक्ट। अगर उस जगह को आप अपने घर की तरह रखेंगे जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं उसको भी वैसे रखेंगे तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो पाएगा। चाहते क्या है, जब पेमेंट कर दी है सोचते हैं कि हमने इस चीज को खरीद लिया, जितने दिन के लिए पेमेंट की है 2 या 3 दिन के लिए पेमेंट की है वो सोचते हैं कि हमारा पूरा राइट है जो भी वहां पर करें। ये गलत चीज है। हम स्टूडेंट्स को ऑलवेज बताते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है। जब वो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेशन, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ द कंट्री एंड दे आर द मिरर ऑफ द कंट्री। उसमें हमेशा एम्फसाइज किया जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि आप हमारे कंट्री को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो आपसे फॉरनर्स मिलेंगे या जब जहां जिस होटल में आप काम करेंगे आपका जो बिहेवियर पैटर्न होगा उससे मालूम पड़ेगा कि इंडियंस बेसिकली क्या है। Exactly. As long as उनका बिहेवियर ठीक रहेगा, इंटेग्रिटी लेवल ठीक रहेगा और विदाउट स्ट्रेस जो है वो अपने आप को काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, उनसे गलती का चांस कोई नहीं है। तो इन चीजों को हमेशा हम ध्यान रखते हैं और स्टूडेंट्स को एम्फसाइज करते हैं कि इन चीजों को अपना मूल मंत्र बनाएं और जैसा भी हो इसको प्रोजेक्ट करें। नहीं, आपने तो बहुत अच्छी बात करी। तो क्या आपका अनुभव रहा है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो क्या हम बढ़िया कंप्लाई करते हैं? हमारा बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों? जो हमने बताया जहां पे वहां पे जाके हमारा वहां पे जाके देखते हैं कि सब लोग नम्रता से बिहेवियर कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर जाके अगर मिडिल ईस्ट में जाइए जरा सा भी कोई गुनाह करता है आप जानते हैं पनिशमेंट वहां पे क्या है, वहां पे ऐसे गुनाह नहीं होते। वहां पे जाके हमारे इंडियंस काफी रहते हैं, हमारे भारतीय काफी रहते हैं, ठीक तरह बिहेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। व्हाई शुड दे कम एंड डू इट इन इंडिया? बिकॉज यहां पर दे गेट अवे विद इट। थूक फेंक रहे हैं, पान खा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि फियर का कॉन्सेप्ट जरूरी हो गया है कि डर नहीं हो तो आदमी कुछ करना नहीं चाहता। नहीं, वेरी गुड। मतलब डर के बगैर अनुशासन नहीं आएगा। सो हम मदरलैंड में जब हैं तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन जब हम फादरलैंड में जाएंगे किसी दूसरे के तो हम मान जाएंगे। मदर की बात नहीं सुनते क्योंकि मदर प्यार से बोलती है, तो exactly. इंडिया जो है वो मदर है तो हम उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन जब हम जर्मनी जाएंगे वो फादर है, वहां बात मानेंगे। वहां पे पनिशमेंट है, जरा भी गुनाह करेंगे आपको पनिशमेंट मिलेगी। गलत ड्राइविंग करेंगे इमीडिएटली आपको चेक किया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो कुछ भी काम गलत करेंगे आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहां पर दे गेट अवे, व्हाई शुड दे गेट अवे लाइक दिस, नॉट राइट। सो शायद अगर हमें पनिशमेंट्स के बारे में बात करनी है तो वो भी हमें एक हाइजीन पॉलिसी होती है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में कई होटल्स की हाइजीन पॉलिसी होती है, वो शुरू में ही दे दी जाती है और लगी भी रहती है वो हर रूम में लगी है कि अगर आपकी ये गंदगी हुई या हमारा कुछ टॉवल गंदा हुआ या ऐसा हुआ कि यूज नहीं किया जा सकता तो वो चीज आपको दे दी जाएगी और उसका पैसा काट लिया। डेफिनेटली।